मैं इन दो अशार के साथ अब महुआ वैशाली से तशरीफ फरमा जनाब एजाज आदिल को दावत सुखन दे रहा हूँ कि हमें तो फिक्र फकत इतनी ही रही है चोंच, हमें तो फिक्र फकत इतनी ही रही है चोंच, बिखर न जाए कहीं देखिए चमन अपना, बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना है, बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना है, गुजर रहा है अजब दौर से वतन अपना। जनाब एजाज आदिल। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम बहुत जल्दी के साथ सदर मुशायरा नियाज लत आदमी साहब, नाज़िम मुशायरा चोच गयावी साहब, आप सब की नेक दुआएं हमारे साथ रही। ये नाचीज एजाज आदिल महुआ वैशाली से, खासी बीच में जो इस मुशायरे की कामयाबी और यहाँ तक के जो मुशायरा कामयाब हुआ हमारे बीच में, एटीएन लाइव के जो सरगर्म रुकन है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। कि वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा, जमीने हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी इसे हुकूमत छीन लो वरना, गुजारिश है मेरी उसे हुकूमत छीन लो वरना, लगाकर आग नफरत की वो सबको राख कर देगा, लगाकर आग नफरत की वो सबको राख कर देगा, वो सबको राख कर देगा। वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीन हिंद के हर जर्रे को नापाक कर देगा। वारिस इस्लाम पुरी साहब, मैं हमारे बीच में जो पहले हैं, मैं उनकी दुआएं चाहता हूँ और ये शेर उन तक के पहुंचा रहा हूँ, इसमें कमी वगैरह हो गई होगी तो माजरत चाहूंगा। के हर खातून बनती जा रही है अब लाख के जैसा, मैं बहनों के जज्बे को सलाम, उनके हिम्मत को सलाम करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में जो पहले बैठी हुई है इस संविधान और सीए और कानून के खिलाफ, मैं उनको दोनों हाथ से उस आबरू भरी आंचल को सलाम करता हूँ कि हमारे से ज्यादा तादाद में आप है। हरे खातून बनती जा रही है अबलाग के जैसा, हरे खातून बनती जा रही है अबलाग के जैसा, रखो तुम भी अज़्म मुसम्मम शाहीनबाग के जैसा, रखो अज़्म मुसम्मम तुम भी शाहीनबाग के जैसा, और तुम ही हजरत महल झांसी की रानी और रज़िया हो, जैसा नहो तेरा कदम बिल्कुल कभी एक दाग के जैसा, अरे खातून बनती जा रही है अबलाग के जैसा, रखो आज में मुसम्मम तुम भी शाहीन बाग के जैसा। और सदर मुशायरा से हमारे चचा मोहतरम जो कासिम हिदायतपुरी है, उन्होंने कहा कि मेरे भी दो शेर को शमूलियत कर देंगे, उनका भी दो शेर, और फिर अपने शेर पर अपने रंग में मैं आऊंगा, 5 ही मिनट के अंदर ही मैं आ जाऊंगा। हमारा हक हमें दे दो निशावर प्यार कर देंगे, हमारा हक हमें दे दो निशावर प्यार कर देंगे, तुलोगे सुल पर तो जिंदगी दुश्वार कर देंगे, तुलोगे सुल पर तो जिंदगी दुश्वार कर देंगे, हमारा हक हमें दे दो जब निशावर प्यार कर देंगे। और ये भी शेर कि अगर तू मुल्क के आईन पर उंगली उठाया है, अगर तू मुल्क के आईन पर उठाया है, इसी को तोड़कर तेरे गले में हार कर चुके, इसी को तोड़कर तेरे गले में हार कर देंगे। बस चलते चलाते अपना शेर अपना रंग पर मैं आ रहा हूँ। वो राहत इंदौरी साहब का वो शेर बहुत मशहूर हुआ है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अब उसके एक शेर दिखाइए कि यहाँ के सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी, भाई ये हिंदुस्तान की बात है। मैं चलते चलाते अपना शेर पेश कर रहा हूँ। हमारे जिस्म में जो खून हिंदुस्तान वाला है, हमारे जिस्म में जो खून हिंदुस्तान वाला है, ये जालिम फिर भी कहता है कि पाकिस्तान वाला है, हमारे जिस्म में जो खून है हिंदुस्तान वाला है, ये जालिम फिर भी कहता है पाकिस्तान वाला है। यही सब लोग कहते हैं,
नहीं वही ईमान वाला है। यही सब लोग कहते हैं, यही तारीफ कहती है, तिरंगा रंग जिसने दी वही ईमान वाला है। और हमारे जिसमें जो खून है हिंदुस्तान वाला है। अगर हम हो गए सच्चे तो कोई क्या बिगाड़ेगा, जो सबका साथ देगा बस वही रहमान वाला है। कोई क्या बिगाड़ेगा, जो सबका साथ देगा बस वही रहमान वाला है। ये कुर्सी चंद सालों की है, इतराता है क्यों नागा। ससुर जी तवज्जा कर चाहूंगा, हमारी बहने इस पर डाइयां बजा करके हमारी हौसला अफजाई करते। ये कुर्सी चंद सालों की है, इतराता है क्यों नागा। यही सब लोग कहते हैं जो सब मतदान वाला है। यही सब लोग कहते हैं जो सब मतदान वाला है। और करो कुछ तो दिफा के वास्ते इस मुल्क में आदिल हुकूमत। आज तक तो हिटलर ही फरमान वाला है। करो कुछ तो दिफा के वास्ते। अब चलते चलाते क्वेश्चन आओ, पांच मिनट का है लेकिन पांच मिनट नहीं पूरा हुआ है। पांच मिनट नहीं पूरा हुआ है, बस दूर से आओ सुन ले। पत्रकार मासुमा नाथ साहिबा तशरीफ रखती है, उनकी दुआएं। और सारे लोगों को हमारे इल्मी मजलिस के परवेज भाई भी तशरीफ रखते हैं। हमारे महुआ नगर वार्ड पार्षद के वार्ड पार्षद आपकी तौफीक सर्विस साहब भी आए हुए हैं। अब से यह कानून से इनकार होना चाहिए। अब यह कानून से इनकार होना चाहिए। और जुल्म का ऐवान भी निस्पार होना चाहिए। जुल्म का ऐवान भी निस्पार होना चाहिए। अपनी आसमत के लिए खासतौर से हमारी बहने इस पर तालियां जरूर बजाएंगी। आपके लिए है तोड़ दो जालिम का पंजा। अपनी आसमत के लिए बेटियों तुमसे ना खिलवाड़ होना चाहिए। हमारे बाबा साहेब ठेका अम्बेडकर जी हैं, देखेंगे इनको। आइए मिलकर बचाए मुल्क के दस्तूर को। दुश्मन आइन पर भी वार होना चाहिए। दुश्मन और भक्ति का शेर कि पानी देखो सर से ऊंचा हो गया आदिम मियां। पानी देखो सर से ऊंचा हो गया आदिम मियां। अब हमें भी पर सरे पैकार होना चाहिए। सुन का ऐवान भी विस्मार होना चाहिए। अभी जनाब एजाज आदिल अपने इनकलाबी अशआर से नवाज रहे थे। हमारे दरमियान दो शायरात भी तशरीफ फरमा है, मोहतरमा मासूमा खातून और मोहतरमा शाजिया नाज। मैं चाहता हूँ कि इन दो अशआर के साथ मोहतरमा शाजिया नाज को दावत सुखन दी जाए। कि ख्वाब में बापू ने कहा मुझसे, ख्वाब में बापू ने कहा मुझसे, अब तो ये आम सब रिवाज करो। ख्वाब में बापू ने कहा मुझसे, अब तो ये आम सब रिवाज करो। अपने आईन की हिफाजत में मिलके सब लोग एहतजाज करो। मोहतरमा शाजिया नाज। ना मेरे यार करो
मुझको डांटने वाले तुम भी बट जाओगे, सुन लो ऐ बांटने वाले। मेरी अच्छाइयों पे मुझको डांटने वाले तुम भी बट जाओगे, सुन लो ऐ बांटने वाले। और तेरे घर में भी कोई झांकने आ जाएगा, तेरे घर में भी कोई झांकने आ जाएगा। बाज आ जा तू मेरे घर में झांकने वाले, बाज आ जा तू मेरे घर में झांकने वाले। और एक कलाम अभी एटीएन पर रिकॉर्डिंग भी हुआ था, मैं उसको सुनाता हूँ, जिसमें मैसेज है। मैंने अपनी बात को लोगों के हवाले किया है और इसको समझे और इस पे अमल हो। मिलके बिंदु सितान में
रहिए मिलके हिंदुस्तान में रहिए जब तक इस जहान में रहिए जब तक इस जहान में रहिए। और इस शेर को देखेंगे हिंदू मुस्लिम की कैसी दोस्ती होती है, तीर कमान की तरह होती है, बगैर एक दूसरे के चल नहीं सकते हैं। मैंने उसको इस तरह से बांधा है कि साथी दोनों का है जरूरी बहुत ही, साथी दोनों का है जरूरी बहुत ही, तीर है तो कमान में रहिए, तीर है तो कमान में रहिए। और ये शेर भी देखेगी, जो भी आया है सबको जाना है, जो भी आया है सबको जाना है, आप मत इतनी शान में रहिए, आप मत इतनी शान में रहिए। और एक शेर जो है इसको आप कैसे समझे, हमने तो अपने काम को कर दिया, आप आगे जो है समझे और इस पर अमल करके। बह रही है हवाएं जहरीली, बह रही अपने अपने मकान में रहिए, अपने अपने मकान में रहिए। और मकान में बट के क्या आपको मिलेगा नसर, बट के क्या आपको मिलके अब खानदान में रहिए, मिलके अब खानदान में रहिए। ये एनपीआर के हवाले से है, हमने कोशिश की है इसको आप तक पहुंचाने की। अपने घर में, अपने घर में कैदी बनकर, अपने घर में कैदी बनकर हो जाओ तैरून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे। अपने घर में कैदी बनकर हो जाओ तैरून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे। जो लड़वा दे आपस में जो पैदा करे जुनून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे। अपने घर में और ये सब जिसको लाना है तुम लाओ, लाकर यहाँ बसाओ, लाकर यहाँ बसाओ, लेकिन हिंदुस्तान में अपने नफरत ना फैलाओ, नफरत ना फैलाओ। हमको नहीं मंजूर तुम्हारा ये काला कानून रे, ये काला कानून रे। हमको नहीं मंजूर तुम्हारा ये काला कानून रे, ये काला कानून रे। जो लड़वा दे आपस में जो पैदा करे जुनून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे। एक शेर और देख ले, जीडीपी की फिक्र नहीं, रोजी रोटी की फिक्र नहीं, रोजी रोटी की फिक्र नहीं, मेरा भी
है दुनिया की मिट्टी में क्यों जिक्र नहीं, मिट्टी में क्यों जिक्र नहीं, और अभी देना होगा क्या इस माटी को खून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे, जो लड़वा दे आपस में जो पैदा करे जुनून रे, ये कैसा कानून रे, ये कैसा कानून रे। शुक्रिया।